तरफ आपको शक्ति दी गई है परेशान करने वाली एप्लीकेशंस को निरस्त करने की, वहीं दूसरी तरफ आपकी जिम्मेदारी ये बढ़ती है कि इस शक्ति का प्रयोग सोच समझकर जुडिशियल तरीके से करें। अब हम देखेंगे अंदर सर, अभी मैं 26 तारीख को सर गया था आयोग में, तो वहाँ सर एक सूचना मांगने वाला, वो सूचना मांग रहा था सर 2010 से लेकर 2016 तक मुरादाबाद के जितने हायर इंस्टीट्यूशन हैं उसमें छात्रों द्वारा जो छात्रवृत्ति का अप्लीकेशन दिया जाता है उसकी छायाप्रति चाहिए। तो मुझे बुलाया गया, मैं व्यक्तिगत रूप गया अभी था। तो सर उसकी हमारे यहाँ लगभग 26,000 बच्चे हैं सर, एक एप्लीकेशन में 6 से 7 पेज होते हैं सर, लगभग 1,00,000 पेज की सूचना थी उसकी। लेकिन सर सर भी वहाँ थे, माननीय हफीज उस्मान सर, उनका ये प्रयास था कि मैं सूचना उसको दूँ। तो मैंने वहाँ आर्गू सर को मैं मतलब आर्गू कर रहा था और सर ये कहते नहीं आप कलेक्ट करके दीजिए, लेकिन मैं भी सर अड़ गया। मैंने कहा 1,20,000 पेज की सूचना हम नहीं दे सकते, हम कहेंगे। फिर इसके बाद सर मैंने उसको सूचना देने से मना किया, फिर वो केस आपको डिस्पोज करना पड़ा। लेकिन सर होता है हम लोगों की बात जो आपने कहा कि आपको डिस्पोज करना पड़ा तो क्या हुआ? नहीं सर, सर ने फिर हमारी बात से सहमत हुए, लेकिन सर सर का प्रयास ये था कि हम दें। देखिए तो मैंने शुरू में ही कहा कि आपका प्रथम और प्रमुख दायित्व है सूचना देना, तो हमारा भी प्रथम और प्रमुख दायित्व है कि हम आपको कोशिश करें कि आप सूचना दो। लेकिन जब आपने समझाया कि नहीं दे सकते 1,00,000 से अधिक है, तो अंततः आपकी बात मानी गई, खत्म हो गई। चलिए कभी-कभी कुछ विभागों की या ऑर्गेनाइजेशंस की मिलती जुलती कार्य प्रणाली होने के कारण एक सामान्य समझ के व्यक्ति से ये भूल हो सकती है कि वह विभाग का कि सूचना विभाग था से मांग ले। उदाहरण के लिए एक सामान्य समझ के व्यक्ति से ये भूल हो सकती है कि वह उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित किसी आवासीय योजना की सूचना विकास प्राधिकरण से मांग ले, या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी योजना की सूचना उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से मांग ले, ये भूल हो सकती है। दिस इज बोनाफाइड मिस्टेक। अधिनियम कहता है कि यदि ऐसा हो जाता है तो आवेदन को निरस्त मत करिए, अपितु अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार उस एप्लीकेशन को 5 दिन के अंदर अंतरित करिए। अब ये अंतरण का प्रोसीजर क्या होगा, ये नियमावली के नियम संख्या 4-5 में इसका उल्लेख किया गया, उसे आगे चलिए पूरा खोल दीजिए। अब देखिए इसमें क्या क्या विकल्प हो सकते हैं वो देखिए, बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास कोई एप्लीकेशन आई और उस एप्लीकेशन में जो सूचना की विषय वस्तु है उसमें आपसे संबंधित कुछ भी नहीं है और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन किसी एक का मतलब एक वचन सिंगुलर नंबर किसी एक अन्य पब्लिक अथॉरिटी या लोक प्राधिकरण या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है एक, तो आप उस आवेदन पत्र को 5 दिन के भीतर प्रारूप 4 पर अंतरित कर देंगे। देखिए प्रारूप का इस्तेमाल करिएगा, प्रारूप 4 पर अंतरित कर देंगे, शुल्क का अंतरण नहीं होगा क्योंकि जो हेड है ट्रेजरी का एक ही, अगर आप प्रारूप का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें लिख दिया गया है कि शुल्क का भुगतान कर दिया गया, बैक कर लीजिए। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि आपके पास जो आवेदन पत्र आया उसमें कुछ सूचना आपके अपने विभाग से संबंधित थी और कुछ सूचना किसी एक अन्य दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित थी, एक अभी भी एक वचन, तो आप आवेदन पत्र उस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें कुछ सूचना या कुछ संबंधित थी 5 दिन के भीतर प्रारूप 4 पर अंतरित कर देंगे और स्वयं के विभाग से संबंधित सूचना निर्धारित समय अवधि के भीतर प्रदान करेंगे। और जैसे ही आप अंतरण करेंगे
प्रारूप टीम के रजिस्टर पर अंकित कर लेंगे। देखिए मैंने ये जो सर्कल किया हुआ है ये हमने लिख दिया कि ये एप्लीकेशन नगर निगम से संबंधित थी, हमने नगर निगम लखनऊ को इस दिनांक को अंतरित कर दी। ये रजिस्टर देखते रहिएगा, ये बहुत आवश्यक। आगे चलिए, और क्या विकल्प हो सकते हैं वो और देखते हैं। अब एक वचन से दो वचन की ओर, मान लीजिए कोई ऐसी एप्लीकेशन आई जिसमें कुछ सूचनाएं तो आपके विभाग से संबंधित है लेकिन कुछ सूचनाएं विभाग का से, कुछ खास है, कुछ गा से संबंधित है, यानी दो या दो से अधिक विभागों से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने विभाग से संबंधित सूचना निर्धारित समय अवधि में देंगे और शेष ऑर्गेनाइजेशन को आप अंतरित नहीं करेंगे। यानी बहुवचन में अंतरण नहीं होगा, अंतरण केवल एक वचन में होगा। ऐसी स्थिति में आप आवेदक को परामर्श देंगे कि हम अपनी सूचना तो प्रदान कर रहे हैं लेकिन इन इन विभागों में आप अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करके सूचना प्राप्त करें, परामर्श। अब एक अंतिम विकल्प ये हो सकता है कि जो एप्लीकेशन आपके पास आई उसमें आपसे रिलेटेड कुछ भी नहीं था, एक सूचना विभाग का से, एक खास से, एक गा से या इसी प्रकार आगे थी, अर्थात पूरी पूरी एप्लीकेशन में दो या दो से अधिक विभागों से संबंधित सूचना थी, तो ऐसी दशा में आपसे संबंधित तो कुछ नहीं है, अंतरण नहीं होगा, केवल परामर्श होगा। आप आवेदक को परामर्श देंगे कि आप यहाँ यहाँ अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण में बताना चाहता हूँ, उसको जा सकता हूँ। तो क्या एसपी दफ्तर का पीआईओ एडवाइस कर सकता है कि ये हमारे यहाँ उत्तर मांगने को क्यों कर रहे हैं? ये जो प्रोविजन अंतरण का है इसका अगर आप एक्ट में जो प्रोविजन है उसको पढ़े तो ये पाएंगे कि अंतरण या ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन धारा 6(3) के तहत ये केवल उस दशा में ट्रांसफर की बात कर रहा है जब मांगी गई सूचना किसी एक अन्य पीआईओ से संबंधित, सूचना आपके पास नहीं है किसी एक अन्य पीआईओ के पास है तब आप उस केस को उस पीआईओ को अंतरित करते हैं धारा 6(3) के तहत। लेकिन अगर मांगी गई सूचना एक से अधिक जगहों पर है तब एक्ट आपसे ये अपेक्षा नहीं करता कि आप उसको 3 या 4 या 10 या 50 लोगों को अंतरित करें। होता यह है कि ये एक्ट का एक तरह से मिसयूज है जो कि कुछ लोग कर रहे थे कि उनको सूचना चाहिए 25 विभागों से और उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई और वो एप्लीकेशन मुख्य सचिव के यहां डाली और जब मुख्य सचिव के पीआईओ को अगर इसकी सही जानकारी नहीं थी तो वो 25 जगह अंतरित कर देता धारा 6(3) के, फिर वो एक एप्लीकेशन 25 एप्लीकेशंस में कन्वर्ट हो जाती थी और फिर वो सूचना नहीं पाता था प्रॉपरली तो वो अपील में आयोग में आ जाता था और आयोग फिर गलतफहमी में 25 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पीआईओ को नोटिस जारी कर देता और फिर हम 25 जगह पर उसको फॉलो अप करने लगते थे और सूचना दिलाने का प्रयास करते थे। ये सरासर एक्ट का दुरुपयोग है। एक्ट ये अपेक्षा नहीं करता पीआईओ से कि आप पोस्ट ऑफिस बन जाएं आवेदक। एक्ट ये अपेक्षा आपसे नहीं कर रहा कि आप उसके पोस्ट ऑफिस बनकर उसकी एक एप्लीकेशन को 15 एप्लीकेशंस में कन्वर्ट कर दें जहां उसको 15 जगह अप्लाई करना पड़ता, हर जगह 10 रुपए की फीस देनी पड़ती, उसने एक जगह पर 10 रुपए की फीस दी और 15 जगह की सूचना मांगा है। और इस तरह के मामले उन दफ्तरों में विशेष रूप से आते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, आयुक्त कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जहां पर आपको एक कोऑर्डिनेटिंग अधिकार दिया गया है वहां पर इस तरह की दरखास्तें ज्यादा। आपने उदाहरण जो दिया बिल्कुल ठीक दिया है, यदि 10 नंबर अपराधियों पीआईओ है एसएसपी ऑफिस का वो उस लिस्ट की फोटोकॉपी दे उसको, लेकिन एसएसपी के पीआईओ से ये अपेक्षा नहीं की जा रही है
कि वो उसको उस एप्लीकेशन के आधार पर 25 थानों से कहे कि अब आपने अपनी लिस्ट हमें भेजो, हम उसको संकलित करके इसको ये अपेक्षा उससे नहीं किया। यदि वो सूचना हर थाने पर ही उपलब्ध है और उसका कोई संकलित रूप एसएसपी ऑफिस में उपलब्ध नहीं है, तब अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इस तरह की एप्लीकेशन का ये होगा कि उसको एक चिट्ठी जाए कि आपने जो एप्लीकेशन डाली है उसमें जो सूचना आपने मांगी है वो एसएसपी ऑफिस में संकलित रूप में उपलब्ध नहीं है, ना ही कोई अधिनियम है, ना ही कोई नियम है जिसके तहत वो संकलित रूप में हमारे पास होनी चाहिए। ये सूचना अलग अलग थानों में उपलब्ध है, आप प्रत्येक थाने के जन सूचना अधिकारी के सामने ये एप्लीकेशन लगाइए और वहां से अलग अलग हर थाने से सूचना प्राप्त करें। इस प्रकार का परामर्श उस व्यक्ति को जाना चाहिए। एसएसपी ऑफिस का पीआईओ आवेदक का पोस्ट ऑफिस नहीं बनेगा, अपना बनना चाहिए। अगर एक से अधिक पीआईओ के पास वो सूचना है तब वो कलेक्ट करके देना मूल पीआईओ का दायित्व नहीं है, परामर्श देना दायित्व है, उसकी एप्लीकेशन का जवाब देना जरूरी है। और उसको एप्लीकेशन का जवाब यही होना चाहिए कि आपने जो दरखास्त डाली है वो सूचना फला फला जगह उपलब्ध है, वहां के पीआईओ के सामने अलग अलग एप्लीकेशन लगाइए और सूचना प्राप्त। एक बंदे है उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी महोदय कार्यालय से 10 ग्राम पंचायतों की सूचना मांगी है सर, तो उसमें एक गाँव मेरा भी पड़ता है, तो वो सर मांगी गई थी 3 महीने पहले, तो इंदौर स्वतंत्र तो सूचना मेरे पास सर 2 महीने में पहुंची, तो उसमें सर हमने उससे शुल्क जमा करने की मांग की, उसके बाद भी सर वो बंदा अपील में चला गया, तो सूचना आयुक्त महोदय साहब ने कहा कि आपने सूचना उपलब्ध कराई, तो हालांकि उसमें सर आगे एक तारीख लगी है, तो क्या ये उस स्तर पे सर खारिज नहीं होनी चाहिए थी जहाँ पे सर प्रथम अपील? सर ने बताया देखो ऐसा इतना समय 2 महीना भी नहीं लगना चाहिए, अगर इतना ही चीज बोला जाना है तो 2 महीने का समय नहीं लगना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स जल्दी होना चाहिए। देखो सेकंड अपील में तुरंत नहीं गया होगा, प्रथम अपील में गया होगा, तो प्रथम अपील जो रहे हैं बस अपडेट अथॉरिटी उनको भी नॉलेज में ऐसा होना चाहिए कि इसका डिस्पोजल उन्होंने किया है कि नहीं किया है। अगर सीडीओ ऑफिस में रूटीन के मॉनिटरिंग के तहत ग्राम पंचायत वार वो विवरण एकत्र किया जाता है, हर महीने एक रिपोर्ट बनती है और ग्राम पंचायत वार डेटा उपलब्ध है, तो सीडीओ ऑफिस के पीआईओ को अपने स्तर से वो डेटा देना चाहिए 10 ग्राम पंचायत। सुन लीजिए मेरी बात, सुनने पर बीच में ना बोलिए। अगर वो डेटा उपलब्ध है ग्राम पंचायत वार तो सीडीओ ऑफिस के पीआईओ को वो डेटा देना चाहिए और उसको संतुष्ट करके भेजना। अगर डेटा फिर बोल रहे हो बीच में, मैं अभी बात पूरी नहीं कर रहा हूँ, आप बीच में बोल रहे हैं इसीलिए आपको डांट पड़ती है। अगर वो डेटा उपलब्ध है तो सीडीओ ऑफिस के पीआईओ को देना चाहिए। अगर वो डेटा केवल ग्राम पंचायत पर ही उपलब्ध है तो सीडीओ ऑफिस को फिर 10 ग्राम पंचायतों को अंतरित नहीं करना चाहिए, तब सीडीओ ऑफिस को उसे परामर्श देना चाहिए कि ये डेटा हमारे यहाँ पर संकलित रूप में नहीं है, ये ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध है, आप ग्राम पंचायत प्रत्येक ग्राम पंचायत के जन सूचना अधिकारी जो कोई भी है उनको अलग अलग दरखास्त कर लीजिए, करेक्ट इसका जो करेक्ट डिस्पोजल है वो ये होना चाहिए। हो सकता है डिफरेंट तरह से डिस्पोज हो रहा हो, वो अपील में ही तय हो, करेक्ट डिस्पोजल मैंने आपको बताया। थैंक यू। अब हम देखेंगे थर्ड पार्टी का होती है 21 के लिए, उसमें जो कहा गया है कि अगर रिस्ट्रिक्शन लगा ली है तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ उसको पूरा करने के बाद ही लगाई जा सकती है, तो वो चीज़ यहाँ लागू होगी। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का मतलब यह है, पहले थर्ड पार्टी की डेफिनेशन समझ लें कि व्हाट इज थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी दो प्रकार की हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है या कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है।
इंडिविजुअल कैसे हो सकता है? मान लीजिए मैं आवेदक हूँ, देन आई एम द फर्स्ट पार्टी, आप जन सूचना अधिकारी हैं, तो आप सेकंड पार्टी हैं, इनकी सूचना जो इन्होंने आपको उपलब्ध कराई थी या इनसे संबंधित है जिसे ये गोपनीय मानते हैं, वो मैं मांग रहा हूँ, देन ही इज द थर्ड पार्टी, ये तो वो व्यक्ति। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि PWD और इरीगेशन डिपार्टमेंट में कोई डेलीबरेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस अर्थात विचार विमर्श या पत्राचार हो रहा है और इस मध्य PWD द्वारा इरीगेशन डिपार्टमेंट को कुछ ऐसे अभियोग दे दिए जाते हैं जिसे PWD ने PWD ने गोपनीय माना था उस पर गोपनीय या परम गोपनीय का टैग लगा और अभिलेख तो आ गया इरिगेशन के पास और अब कोई आवेदक इरिगेशन डिपार्टमेंट से उन्हीं अभिलेखों की डिमांड कर रहा है तो ऐसी दशा में उस दूसरी पब्लिक अथॉरिटी अर्थात PWD को भी थर्ड पार्टी माना जाएगा और थर्ड पार्टी प्रोसेस पूरा किया जाएगा। ठीक, अब ये थर्ड पार्टी वाला कहां कहां लग सकता है? जैसे अभी आगे डिस्कशन होगा, सेक्शन 81D है, 81E है, 81J, हम केवल J की अगर बात करें, निजी प्रकार की सूचना, किसी की निजी सूचनाएं मांगी जा रही है जो आपके अभिलेखों में, वो कंडीशनल एक्सेप्शन है, सामान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन आवेदक ने यदि उसमें व्यापक जनहित सिद्ध कर दिया है और आपका समाधान हो गया है कि ये निजी प्रकार की सूचना दिए जाने में व्यापक जनहित है तो आप देने का निर्णय देंगे। अब निर्णय जब आप ले लेंगे निजी प्रकार की सूचना देने का, तो आप उसका जो निजता का अधिकार है, मूल अधिकार, उस पर अंकुश लगाने वाले हैं, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पूरा करना होगा और वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अधिनियम की धारा 11 में वर्णित है, वही आपके सामने रखा। तो जैसे ही आप निर्णय ले लेते हैं प्रकट करने का, अभी आपने निर्णय लिया निजी प्रकार की सूचना का, तो ये निर्णय आप 5 दिन के भीतर ले लीजिए। अगर आप अधिनियम की किसी धारा या नियमावली के किसी नियम के अंतर्गत मना कर सकते हैं तो कर दीजिए, लेकिन यदि आपका समाधान हो चुका है कि व्यापक जनहित है और आपने निर्णय लिया है, तो इस निर्णय से थर्ड पार्टी को 5 दिन के भीतर अवगत करा दीजिए, 5 दिन के भीतर। और उसके लिए हमने प्रारूप बना दिया, प्रारूप 9 पर 5 दिन के भीतर थर्ड पार्टी को एक पत्र या नोटिस भेज दीजिए कि आपकी यह सूचना RTI या सूचना का अधिकार के अंतर्गत मांगी गई है और इसे देने का निर्णय हमने कर लिया। नोटिस देने का मतलब ये है कि आपने निर्णय कर लिया, अब आप 10 दिन में अपना प्रत्यावेदन दें, इसके संबंध में कि आपको कुछ कहना हो तो कहिए 10 दिन में। तो 10 दिन का आपने समय दिया, 10 दिन में थर्ड पार्टी आप बैक कर लीजिए, थर्ड पार्टी आपको उत्तर देगी। अभी सर, अभी मैं ये पूरा कर लूं फिर आपसे सवाल लेता हूं, है ना, ये प्रोसेस पूरा बता दूं। थर्ड पार्टी आपको उत्तर देगी, थर्ड पार्टी के जब प्रत्यावेदन आ जाए तो PIO साहब अपने पूर्व निर्णय पर, जो देने का निर्णय था, उस पर पुनर्विचार करेंगे। पुनर्विचार वास्तविक होना चाहिए, ये नहीं कि मैं एक बार जो निर्णय ले लेता हूं फिर पलटता नहीं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बता दे जो पूर्व में आपके संज्ञान में नहीं थे, तो आप पुनर्विचार करिए, वास्तविक पुनर्विचार। पुनर्विचार के बाद निर्णय दो ही होने हैं कि अब सूचना प्रकट करनी है या नहीं करनी। यदि पुनर्विचार के उपरांत आप निर्णय लेते हैं कि सूचना प्रकट नहीं करनी है, तो तदनुसार मूल आवेदक को अवगत करा दीजिए, वो अपने अभी प्रोसीजर में जाएगा। परंतु यदि आप यह निर्णय लेते हैं कि सूचना प्रकट करनी ही है, तो जन सूचना अधिकारी के रूप में आप प्रकट करने का निर्णय मात्र लेंगे, सूचना प्रकट करेंगे नहीं, क्योंकि अधिनियम में थर्ड पार्टी को फर्स्ट अपील का अधिकार दिया गया है और आप थर्ड पार्टी को उसका अपील का राइट उपलब्ध कराएंगे, उसे बताएंगे कि आपके प्रत्यावेदन पर विचार किया गया और समय विचारों पर निर्णय लिया गया कि आपकी सूचना प्रकट की जाएगी। यदि आप इस निर्णय से
असंतुष्ट है तो इस पत्र की प्राप्ति में 30 दिन के भीतर अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी जिनका पता नीचे दिया गया है इनके समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। पता लिख लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ तो अपीलीय प्राधिकारी भी है ना, अब मान लीजिए आप ही अपीलीय प्राधिकारी हैं, तो अपीलीय प्राधिकारी या एपिनेंट अथॉरिटी के लेवल पर क्वाजाई जुडिशियल प्रोसेस अर्थात अर्ध न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब आप न्याय कुर्सी पर आ गए तो प्राकृतिक न्याय का ध्यान रखते हुए आप थर्ड पार्टी को सुनवाई का अवसर देने तो बेहतर होगा और आप उसके डेट लगा दीजिए, अवसर दे दीजिए, बात नहीं करना। थर्ड पार्टी यदि चाहे तो अनुपस्थित रहने का विकल्प ले सकती है। थर्ड पार्टी या तो आएगी या हो सकता है कि अपना लिखित प्रत्यावेदन भेज दे, जैसे भी इसकी उसके उपरांत थर्ड पार्टी को सुनने के बाद या उसको प्रत्यावेदन का विचार करने के बाद अपीलीय प्राधिकारी को निर्णय लेना। निर्णय वही दो है, सूचना प्रकट करनी है या नहीं प्रकट करनी। यदि आप यह निर्णय लेते हैं कि प्रकट नहीं करनी है तो इस निर्णय से मूल आवेदक को अवगत करा दीजिए, वो अपने अपील प्रोसीजर में जाएगा। परंतु यदि अपीलीय प्राधिकारी के रूप में आप यह निर्णय लेते हैं कि सूचना प्रकट करनी ही है तो यहां भी आप निर्णय मात्र लेंगे, सूचना प्रकट करेंगे नहीं, क्योंकि आपके इस निर्णय के विरुद्ध थर्ड पार्टी को अगले 30 दिन में सेकंड अपील के लिए सूचना आयोग में जाने का अधिकार और आपको थर्ड पार्टी को यह अधिकार उपलब्ध कराना होगा। तो अपने निर्णय से थर्ड पार्टी को अवगत कराइए और जैसे पहले लिखा था उसी प्रकार लिखते हुए सेकंड अपील के लिए सूचना आयोग का पता बताइए। अब थर्ड पार्टी सूचना आयोग के समक्ष जाएगी, सूचना आयोग की सुनवाई होगी और माननीय आयोग का जो निर्णय हो उसे शिरोधार्य कर लीजिए। यदि माननीय आयोग कहते हैं कि सूचना मत दीजिए तो मत दीजिए, और यदि आयोग कहते हैं कि सूचना प्रकट कर दीजिए तो कर दीजिए। यह है थर्ड पार्टी प्रोसेस, ये प्रोसेस है, ये डिनायल का बेस नहीं है। बात को समझिए, कुछ लोग लिख देते हैं कि यह धारा 11 से संबंधित है इसलिए नहीं दिया जाएगा, ये थर्ड पार्टी पर व्यक्ति सूचना नहीं दी जाएगी, डिनायल का बेस नहीं है। डिनायल के तो वही आधार है जो माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय ने बता दिए कि बच्चा ये प्रोसेस है, आधार नहीं। अभी कोई प्रश्न तो कर लीजिए, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। अभी आपको सवाल करने वाले हमारे यहाँ पर आते हैं सर।